सफर में तो धूप होगी, तुम चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। तो दूर नहीं है ये एवरेस्ट। फोर रियल न्यूज ने पहले भी पहल की थी और हमारी कोशिश है कि थोड़ी सी रकम के लिए हरियाणा के टोहाना के इस होनहार जवान का ख्वाब अधूरा ना रह जाए। गरीब परिवार का यह नौजवान कहीं 8 लाख रुपए की कमी के कारण माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने से चूक न जाए। हरियाणा ही नहीं देश के इस लाल की प्रतिभा को देखते हुए आप सभी से आग्रह है कि इस नेक काम में अपनी नेक कमाई में से रामलाल की आर्थिक मदद करें। तो रामलाल हरियाणा के एक छोटे से शहर टोहाना का रहने वाला, जो अपने जज्बे से एक ऐसा सपना संजोए हुए है और उसको पूरा करने की, उस सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी सी आर्थिक मदद और चाहिए। इस बीच हम सानी साहब के पास चलेंगे और उसके बाद हम टोहाना के प्रशासन से और कुछ अधिकारियों से, कुछ नेताओं से भी अपील करेंगे। फोर रियल न्यूज एक मीडिया का एक जिम्मेदार हिस्सा होने के नाते अपील करेगा रामलाल की मदद के लिए, लेकिन पहले सानी साहब के पास चलते हैं। सानी साहब, मॉरल बूस्टअप के लिए आपकी तरफ से कुछ हो जाए, बहुत देर हो गई है। हाँ, मैं नाम ही इनका राम है तो इनके काम तो पूरे होने ही हैं। मैं सबसे ये दरख्वास्त करूँगा, और एक देशभक्ति का गाना मुझे याद आ रहा है, वो मैं सबको सुनाना चाहूँगा ताकि आपका जज्बा वैसा हो जैसा हर देशभक्त का होता है। और ये भी देश के लिए खेलने जा रहे हैं, आपके चरणों में ये विनती है, जो भी आप कर सकते हैं 2000, 10000, 5000 जरूर कीजिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर एक चीज है। तू मेरा आगाज था, तू ही मेरा अंजाम है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन। इसी गाने के साथ एक बार पुनः मैं आप सबको ये विनती करना चाहता हूँ कि आप अपनी नेक कमाई में से कुछ भी अमाउंट जो आप कंफर्टेबल हैं, और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने पेरेंट्स को कह सकते हैं कि ये देश का बहुत अच्छा काम होने जा रहा है, इसमें अपना सहयोग डालकर अपना ही पुण्य बढ़ा रहे हैं और साथ साथ सेवा भी कर रहे हैं, दोनों तरफ फ़ायदा हो रहा है। वैसे हमारे भारत में कहते हैं जब हम किसी को एक देते हैं तो ऊपर वाला 10 लाख देता है। वो सोच के कर लें या वैसे प्यार से कर लें, पर करें ज़रूर, क्योंकि वक्त बहुत कम है। हमारे देश का एक ही व्यक्ति है जो वहाँ पे हिमालय के ऊपर परचम लहराने जा रहा है। सानी साहब, आपकी तरफ से अब क्या पेशकश होगी, क्योंकि आपके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं और अगर आप आगे लेकर आते हैं रामलाल को तो जाहिर है बहुत सारे फॉलोअर्स आएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि अभी जो मैं अपनी पिक्चर्स इनके साथ करवा रहा हूँ कि ये पिक्चर्स मैं अपने साइट पर डालूंगा, मुझे तो लगता है कि अगर मैं साइट पर डालूंगा वहाँ से तो एक डालते ही ये पैसे पूरे हो जाएंगे, 8-10 लाख जो भी। चलिए एक कॉलर ले लेते हैं, आप उनको भी सुने, फिर उसके बाद आपको धन्यवाद करेंगे। नैन्सी टोहाना से ही, यानी रामलाल की होम टाउन से हमारे साथ जुड़ी हैं। नैन्सी, रखें अपनी राय आप और पेशकश। लगता है उनसे संपर्क टूट गया है, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और सीधा आप रामलाल को भी कॉल कर सकते हैं। अकाउंट नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। सानी साहब, आप हमारे साथ जुड़े और हौसला अफजाई की आपने इस नौजवान की और पूरे देश को एक मैसेज दिया, अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया और मैसेज दिया और एक अपील की लोगों से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, और बहुत बहुत बधाई आप दोनों को एडवांस में जीतने की।
थैंक यू। चलिए तो हम यहां पर एक ब्रेक के लिए जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम आपसे एक बार फिर से अपील करेंगे और आपको वो रिपोर्ट दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी व्यूवर्स होंगे जिन्होंने अभी अभी अपना टेलीविजन सेट ऑन किया है। एक बार हम ऊपरी तौर पर बता देते हैं, रामलाल शर्मा जो कि हरियाणा के एक छोटे से शहर टोहाना का रहने वाला है और एक सपना रामलाल शर्मा ने संजोया है और सपना है एवरेस्ट पर चढ़ने का, भारत का नाम रोशन करने का। हमारी अपील टोहाना के प्रशासन से है, हमारी अपील टोहाना के विधायक साहब से है, सरदार परमवीर सिंह जी से जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हरियाणा गवर्नमेंट में, उनसे भी अपील है कि आपके अपने इलाके यानी टोहाना से ये बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और देश का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी रामलाल शर्मा की मदद करेंगे और जो उस इलाके के सांसद हैं अशोक तंवर जी, अशोक साहब से भी हमारी अपील है कि आप भी अपने इलाके के बच्चे की मदद करें। एक ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी कॉल्स रिसीव करेंगे और रामलाल शर्मा से भी कुछ सवाल पूछेंगे। सफर में तो धूप होगी, तुम चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो।